हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर एनएसपी स्कॉलरशिप या फिर मोमा स्कॉलरशिप कई बार आप कहते हैं, जो भी स्टूडेंट लास्ट ईयर यानी कि 22-23 में जो भी स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई किए एनएसपी स्कॉलरशिप फिल किए हैं, उन स्टूडेंट के लिए फिर से अर्जेंट बेस पे एक नोटिफिकेशन आया है। और ये नोटिफिकेशन या ये नोटिस उन सारे स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट बायोमेट्रिक नहीं करा पाए। मतलब इन शॉर्ट में समझिए यही कि जो भी स्टूडेंट 22-23 में फॉर्म अप्लाई किए थे, एनएसपी स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई किए थे, अभी हुआ ये था कि उनको आधार बायोमेट्रिक कराना था। आधार बायोमेट्रिक के लिए उस इंस्टीट्यूट या उस कॉलेज में जाना था जिस इंस्टीट्यूट और कॉलेज में उसका नाम था। जैसे एएमयू के बच्चे हैं तो उनको एएमयू में कैंपस में जाकर बायोमेट्रिक कराना था। जो जामिया के स्टूडेंट हैं उनको जामिया के कैंपस में जाकर बायोमेट्रिक कराना था। और नॉट ओनली एएमयू, जामिया, देश के किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं और अगर आपने एनएसपी स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करा है तो आपको उस कॉलेज इंस्टीट्यूट में जाकर के बायोमेट्रिक कराना था। प्रॉब्लम उन स्टूडेंट के साथ था जो फाइनल ईयर के बच्चे थे, क्योंकि जो भी स्टूडेंट फाइनल ईयर में थे यानी 22 में फाइनल ईयर में थे, वो स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं और वो अपने घर जा चुके हैं। ऐसे में वो स्टूडेंट के साथ दिक्कत था और वो वेरीफाई नहीं करा पाए। उन स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट अपने होम डिस्ट्रिक्ट में है, अपने अपने स्टेट में है, और उन स्टूडेंट का अगर वेरीफाई आधार बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, उनके पास एक लास्ट मौका है, आखिरी मौका है। क्या नोटिस में आया है, देखिए। डियर ऑल, बेस्ड ऑन मल्टीपल रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम द स्टेट टू अलाउ बायो ऑथेंटिक ऑफ स्टूडेंट आउटसाइड देयर इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट स्टेट मिनिस्ट्री हैज आस्क्ड टू एनएसपी टू डिवाइस मैकेनिज्म टू फैसिलिटेट दिस। इसका मतलब है कि सिंपल सी बात है, जो स्टूडेंट अपने स्टेट में अपने होम डिस्ट्रिक्ट में है और जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वहाँ पर अगर बायोमेट्रिक नहीं करा पाए हैं, तो स्टेट के रिकमेंडेशन के बिहाफ में एनएसपी ने एक मैकेनिज्म रेडी करने को कहा है स्टेट को कि आप ऐसा मैकेनिज्म रेडी करिए जो बच्चे छूट गए उनका वेरीफाई हो सके। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि स्पेशल कैंप लगाया जाए, शैल बी ऑर्गेनाइज ऑन 7 सितंबर आज और 8 सितंबर, यानी आज और कल दो दिन आपका कैंप लगेगा यूस मजी पहला। और इस कैंप में होगा क्या, कैसे करेंगे, वो सारी बताने वाला हूँ। तो 7 से 8 के बीच में आपके होंगे, आप कर सकेंगे, यानी कि आप अपने आपको ऑथेंटिकेट कर सकेंगे, लेकिन ये आगे करेंगे कैसे वो बताते हैं। बट इतना जाने कि 7 से 8 सितंबर के बीच में हो रहा है आधार ऑथेंटिक। नेक्स्ट ये देखे जाए, स्टूडेंट हु विश टू डू बायो ऑथेंटिक आउटसाइड दी स्टेट विल गिव इन वन टाइम इरिवर्सिबल अपॉर्चुनिटी टू ऑफ फॉर दिस फैसिलिटी फ्रॉम 11 AM 4 September। एंड सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको पहले उसके वेबसाइट पे जाकर लॉग इन करना पड़ेगा, वही मैं आपको दिखाता हूँ। वंस दिस फॉर्म विल, अगर आपने लाइक जैसे ही डिटेल फिल कर देंगे तो उसके बाद आपके जो कॉलेज और इंस्टीट्यूट का जो भी SNO और DNO है, ये CSC को अपना डिटेल भेजेंगे और उसके बाद फिर आपका फिर से, मतलब जो स्टूडेंट छूट गए हैं उनको उसी एरिया में जिस डिस्ट्रिक्ट में है उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका आधार बायोमेट्रिक हो जाएगा और वहीं से आपका फिर उसके बाद कुछ दिन बाद आपको स्कॉलरशिप मिलेंगे। यही इसी के बारे में बताया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या है इसमें। ये रहा ऑफिशियल लेटर या PDF के लिए, ये रहा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना है, फिल करने के बाद देखिए इस तरीके से आइकन आएगा, उसके बाद आपको अपना क्या सेलेक्ट करने को कह रही है। देखिए आपको फाइनल ईयर के मार्कशीट, अपलोड ट्रांसफ़र और माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू बाई इंस्टीट्यूट और फाइनल ईयर मार्कशीट, मतलब या तो आप फाइनल ईयर के मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं या फिर आप अपना माइग्रेशन या कैरेक्टर भी अपलोड कर सकते हैं। नंबर एक ही अपलोड सर्टिफिकेट इशू बाई करेंट एम्प्लॉयर, एडमिशन सर्टिफिकेट इशूड बाई करेंट इंस्टीट्यूट और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव डिस्ट्रिक्ट फॉर बायो ऑथेंटिक। मतलब ये कि अगर बाय द वे आपको किसी और कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं तो उसका भी अपलोड कर सकते हैं, बट एटलीस्ट एक डॉक्यूमेंट तो आपके पास होगा ही होगा फाइनल ईयर मार्कशीट, उसको अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पूछ रहा है ये, इसके बाद ये बेसिक डिटेल आपसे यहाँ पे लिया जा रहा है किस डिस्ट्रिक्ट से है, कहाँ से, वो सारे चीज़ें डालने के बाद आपको सबमिट बार पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे ये टिक करने के बाद ये इस वाले सेक्शन को, तो बड़ा आसान है, ज़्यादा कुछ तो मांगा जा नहीं रहा है। सिंपल आपके पास फाइनल का मार्कशीट या वो हो गई उसको ये अपलोड कर दीजिएगा। इसके अलावा कोई वैलिड रीजन एक अपने हिसाब से लिख करके और उसका अपलोड कर दीजिए कि भाई मैं हूँ कहाँ, क्योंकि जरूरत थोड़ी ना कि जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वो कहीं एडमिशन लियो, तो वो अपने हिसाब से एक लेटर लिखे, लिखने के बाद एक PDF बना के अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद फिर आपका सेपरेटली आपका ऑथेंटिकेशन होगा। यहाँ पे उन्होंने कुछ डिटेल बताया है Step 3, Step 4 के बारे में। अब जैसे यहाँ पे आप डायरेक्ट जा विजिट कर सकते हैं इस तरीके से अपना, उसको सबमिट करके डिटेल, बाकी इससे रिलेटेड कोई भी इशू डाउट्स होगा कमेंट कीजिएगा। बट याद रखिए ये डिटेल जो स्टूडेंट आधार बायोमेट्रिक नहीं करा पाए हैं उन लोगों के लिए। थैंक यू।